उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में गूंगा दूल्हा देख दुल्हन ने फेरे लेने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, बारात को बैरंग वापस लौटना पड़ा। मामला तब खुला जब दुल्हन के मामा ने किसी बात को लेकर दूल्हे से बात करनी चाही, जिसके बाद दूल्हा साफ नहीं बोल पाया। यह देख दुल्हन ने फेरे लेने से मना कर दिया। मामला इतना बिगड़ गया कि मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ की। दुल्हन के ससुराल जाने से इनकार करने पर बिना दुल्हन के बारात वापस लौट गई। चर्चा ये भी है कि लड़की नाबालिग है। मामला सदर कोतवाली के ग्राम जनेतपुर धोरेरा का है। यहाँ पर हमीरपुर जनपद के मिश्रीपुर गांव से बारात आई हुई थी। रविंदर राजपूत का पुत्र प्रदीप अपनी बारात लेकर ग्राम धोरेरा आया था। सारी रस्में पूरी होने के बाद सुबह जब फेरे की रस्म होने जा रही थी, तभी लड़की के मामा ने वधू की नाबालिग उम्र का हवाला देते हुए शादी पर ब्रेक लगा दिया। इस बीच लड़की ने भी दूल्हे के गूंगे होने की बात कही और शादी करने से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों में काफी देर तक बातचीत हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। गाँव के संभ्रांत लोगों ने भी दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया। इसी बीच लड़की ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर इंडियन ऑयल चौकी प्रभारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से जानकारी ली। लड़की द्वारा शादी से इनकार करने पर बाराती बिना दुल्हन के घर वापस लौट गए। औरैया जनपद के आजी औरैया थाना अंतर्गत जनहितपुर गांव में कल रात में एक बारात आई थी हमीरपुर जनपद के कुरारा थाना अंतर्गत मिश्रीपुर गांव से। बारात आने के पश्चात रात में लड़की को ये जानकारी मिली कि ये लड़का बोल नहीं पाता है। इसकी शिकायत उसने अपने मामा से की। मामा ने फिर पुलिस को सुबह इन्फॉर्मेशन दिया और पुलिस पहुंची मौके पर। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि लड़की अभी नाबालिग है और पिता उसकी बिना इच्छा से शादी करना चाह रहा था। लड़की की इच्छा के अनुसार उसकी शादी फिर नहीं हुई। बारात वापस लौट गई और आपस में लोगों ने समझौता करके जो सामान वन दिया गया था उसको वापस कर दिया। बता दें कि दूल्हा सफाई कर्मचारी पद पर हमीरपुर में तैनात है। लड़की के पिता प्राइवेट कार चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं।